in an isosceles triangle ABC if AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square, then the measure of angle C will be, right? एक क्या दे रखा है ये बच्चों सॉल्व करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, राइट बच्चों, ये दो साइड इक्वल दे रखा है, ये दो साइड इक्वल इसे हम मान लेते हैं ए बी देन सी, राइट बच्चों, दो साइड इक्वल है, राइट देन अब इसे हम मान लेते हैं, यानी क्या दे रखा है कंडीशन, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, यानी जो ए सी होगा और जो बी सी होगा वो इक्वल होगा, राइट बच्चों, यानी इसमें कंडीशन में क्या बोला है, जो ये एंगल ए सी और ये जो बी सी होगा ये दोनों इक्वल होगा, राइट बच्चों, यानी अगेन ये पहला कंडीशन दे रखा है, दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है बच्चों, अगेन दे रखा है यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यानी ट्वाइस यानी टू ए सी का स्क्वायर, राइट, तो आइए सॉल्व करते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, यानी ac का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट बच्चों, क्योंकि ac प्लस ac कितना आ जाएगा 2ac का स्क्वायर, देन अगेन यानी ab का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ac की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे ac की जगह क्या मैं bc पुट कर सकता हूँ, तो ac की जगह मैं यहाँ पे bc और bc का ये स्क्वायर कर दूंगा प्लस यानी ac का स्क्वायर, तो देखिए ट्रायंगल का कंडीशन क्या बनना, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये आपको पता होगा ये किसका फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम का है बच्चों, यानी ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर हो गया और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, राइट बच्चों, तो यहाँ से आप कंडीशन जो एक्चुअल जो फॉर्मूला बना, यानी पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है, जब 90 डिग्री दिया होता है तो कुछ कंडीशन ट्रायंगल ऐसे बनेगा, राइट, अब इसमें बोला है जो क्या दे रखा है AC यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो हाइपोटेनियस तो ये होता है बच्चों, देन BC यानी बेस का स्क्वायर, तो देखिए AB यानी AB जो दे रखा है सपोज कीजिए ये क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, देन ये B हो जाएगा, देन ये C हो जाएगा, जब ही तो ये पाइथागोरस ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, देन ये बेस हो जाएगा, देन ये परपेंडिकुलर, तो हमसे C की वैल्यू पूछा था, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 90 आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल था बच्चों, ओके आप रिमाइंड करके दोबारा आप देख सकते हैं।